गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री. ओके, क्योंकि हमने एक एक चैप्टर सिविक्स का कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया इस मंथ में, तो अभी तक हमने इस मंथ में हिस्ट्री का एक भी चैप्टर नहीं किया. सो दैट्स वाई वी स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. ओके, so let's start our chapter. Student, our chapter name is student the earliest people. बहुत interesting chapter है ये, बहुत ही एक knowledgeful chapter है. आपको बताएगा कि कैसे जो human है उसका development हुआ, विकास हुआ. ठीक है, earliest people, earliest क्या है, सबसे पहले के जो लोग मतलब माने गए वो कैसे थे, क्या कैसे मतलब दिखते थे, या क्या खाते थे पीते थे, बेसिकली सारी चीज़ें. तो बिल्कुल शुरू, आपने पहले के बुक्स में पढ़ा होगा ना, अर्ली मैन, आदि मानव, आदि मानव, तो बेसिकली उन्हीं के बारे में है ये चैप्टर. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. क्या बोल रहा है बेटा, देखो जो हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, बेसिकली ओवर 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब लगभग 4600 मिलियन ओल्ड मानी गई है. और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि जो अर्थ पे लाइफ बिगिन हुई ना, यानी लोगों का जीवन कब से शुरू हुआ है, लगभग वो 3500 मिलियन ईयर्स, यानी मानव की रचना या मानव के बारे में जानकारी, कब से मानव ने रहना शुरू किया या मानव जाति कब से अस्तित्व में आई, तो बेसिकली 3500 मिलियन ईयर्स है वो पहले बोल रहा है. इवॉल्व्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट होना, विकास होना. अभी कैसे शुरुआत में मानव कैसे था, फिर धीरे धीरे उसने अपना सेंचुरीज़ के साथ साथ, एक सेंचुरी में देखो 100 ईयर होते हैं, तो कैसे धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट किया ह्यूमन ने, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो स्टेजेस फ्रॉम एन एपे लाइक क्रिएचर टू द प्रेजेंट डे मैन. ए पी ई क्या होता है, एपे का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, बंदर, वानर. आपने कभी सुना है ये आपके कभी एन सेंटर ने या कहीं भी, कि जो हमारे मानव के, ह्यूमन के जो पूर्वज माने गए थे, हम ना मानव मतलब वानर माने गए थे, बंदर माने गए थे बेसिकली. तो शुरू में जो इंसान था उसकी जो स्ट्रक्चर थी, क्रिएचर थी, वो बंदर की तरह ही थी. जो आज का मानव है पहले वो कुछ सिमिलर करता था बंदर से, उसका जो स्ट्रक्चर था. मोस्ट प्रोबेबली द ह्यूमन बींग ऑफ टूडे इवॉल्व 2 मिलियन एंड 1.5 मिलियन ईयर्स एगो. तो मतलब लगभग 2 मिलियन से और 1.5 बिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन जो है उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, वरना उससे पहले तक ये लगभग कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर में रहता था. कैसे ये चेंज, अब उसका उस रूप से इस रूप में, जिस रूप में आज हम हैं, इस तरीके का ह्यूमन बनने में जो प्रोसेस है उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, एक तरीके से मानव का विकास होना कहते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग हु लिव्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो, वर आज से 2 मिलियन एगो अगर हम बात करें, तो जो ह्यूमन बींग था, मानव जो था बेसिकली, वो नोमाड्स होते थे. अभी नोमाड्स कौन होते हैं बेटा, नोमाड्स का मतलब होता है जो एक जगह पे नहीं रहते ना, लोग घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ खाने की तलाश में, सर्च ऑफ वाटर, फूड, नोमाड्स. क्योंकि पहले लोग ऐसे नहीं रहते थे कि उन्होंने परमानेंट घर बना लिए हैं, जॉब है, ये है, ऐसा नहीं था ना, चीज़ें इतनी डेवलप्ड नहीं थी. तो वो नोमाड्स घूम कर रहने वाले लोग, और हंटर गैदरर. अब हंटर कौन होते हैं, शिकारी, शिकार करने वाले, और गैदरर कौन होते थे, सामान को इकट्ठा करने वाले. तो तब देखो फायर नहीं थी, आग नहीं थी, व्हील नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो ये लोग क्या खाते थे भाई, अब जो इन्हें मिलता था, फल फूल, पेड़ पौधे, जड़ें, उनको इकट्ठा करते और खाते थे. तो दे मूव्ड इन ग्रुप टू हंट एनिमल, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे किस चीज़ के लिए, जानवरों को हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए. फिश एंड बर्ड्स, मछलियों को, पक्षियों को पकड़ते थे. गैदर फूड्स,
गैदर का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, फलों को, रूट्स, जड़ों को, नट्स, लीव्स, पत्ते, नट्स, सीड्स, बीज, स्टॉल फॉर फूड. स्टॉल क्या होता है? डंठल. जो जैसे हम आपने गार्लिक देखा होगा उसके बीच में डंठल होता है ना, वैसे ही. तो इस तरीके की चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे अपना खाने के लिए. मतलब उन्हें पता भी नहीं था किस चीज़ का क्या नाम है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं. अब जो मिलता था खा लेते थे. दे इवन मिग्रेटेड टू, मिग्रेट का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम मिग्रेट कहते हैं. तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर रहने के लिए, जब एक जगह की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी. वंस देयर स्टॉक ऑफ रिसोर्स एट अ प्लेस वर एग्जिस्टेड. एग्जिस्टेड का मतलब ख़त्म हो जाना. जब एक जगह का सारा ख़त्म हो जाता था, मान लो एक एरिया में रह रहे हैं, अब वहाँ खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, तो बेसिकली ये कहाँ रहते थे? जंगलों में, केव्स में, गुफाओं में. घर वर तो होते नहीं थे तब उस टाइम पे, शुरुआत के मानव के पास बिल्कुल भी कपड़े भी इवन नहीं होते थे. क्या पहन लेता था? कुछ पेड़ पत्तियाँ लगा ली, मतलब लीव्स लगा लिए, या एनिमल्स को मार के उसकी स्किन पहन ली, ऐसे ही. तो मतलब जब एक जगह की चीज़ें ख़त्म तो दूसरी जगह चले जाते थे. यहाँ पे देखो दो पिक्चर्स दी गई है. पहली जो पिक्चर्स हैं वो अभी भी कुछ जगह पर इस तरीके के लोग अभी भी ऐसे इसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और इसी फॉर्म में रह रहे हैं. एक तो देखो हेडजेब हंटर गैदर्स हैं पहली वाली पिक्चर में, अफ्रीका के अंदर के तंजानिया. हंटर गैदर्स वही जो फूड कलेक्ट कर करके खाते हैं बस जंगलों से इधर उधर से. और दूसरी में नोमाड्स हैं तिब्बत के, जो खाने के पीने की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं. देख रहे अपने एनिमल्स के साथ जा रहे हैं. ये देखो बेटा, इसमें देखो ये फूड एनिमल्स को मार के लेके आए हैं. और ये अपना मतलब तभी नहीं, ये भी नहीं था कि इनको पका के खाते हैं, कुक करके खाते हैं, ऐसे ही कच्चा खाते थे. फ्लैश मीट जो होता था रॉ, मतलब कच्चा ही खा लेते थे. इस फोटो में देख रहे हो आप, तो ये हंटर गैदरर हो गए ना, शिकारी और इकट्ठा करने वाले. इसमें देखो, इसमें भी सेम वही हंटिंग करके लेके आ रहे हैं शिकार. और देखो इनके कपड़े भी नहीं होते थे इनके पास, इतने ऐसे ही पहनते थे क्योंकि इन्हें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था. इसमें भी देखो ये नोमाड्स और हंटर ही हैं, यहाँ से वहाँ एक दूसरी जगह से जा रहे हैं ये. फिर इधर देखो बाद में थोड़ी लाइफ चेंज हुई तो कैसी, मतलब इसमें भी वही है फायर वायर का जब होने लग गया तो इनको समझ में आया कि हाँ फायर भी है, उससे खाने को पकाया भी जाता है. तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल मंकी जैसा लगता था. तो आप देख सकते हो ना ये एकदम इसमें ऐसा ही, क्योंकि उसी फॉर्म में रहते थे, वो जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों की तरह ही बर्ताव करते थे. ओके, ये मैं आपको एक पैसेज पढ़ा रही हूँ. भीम बेट का केव्स, आप देखो भीम केव्स क्या होती हैं, गुफाएँ होती हैं. अभी ये ना जहाँ जहाँ पे भी पुराने समय के जो शुरुआती मानव, मतलब अर्ली मैन माना गया, पाया तो नहीं गया, मतलब उससे रिमेन्स पाए गए. रिमेन्स का मतलब क्या वो चीज़ें यूज़ करते थे, क्या खाते थे, पीते थे, कैसे रहते थे, तो उसके जो बच्चे कुछ निशान मिले हैं उनको देख के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पुरानी चीज़ों को जो ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं. तो क्या एक ये गुफा है भीम बेट का केव्स, ये भोपाल के अंदर है. भोपाल कहाँ है? साउथ ईस्ट में, भोपाल के मध्य प्रदेश के अंदर. ठीक है, विंध्याज माउंटेन है ना उसके वहाँ पे, उसकी तरफ ही. इसमें जो अर्लीस्ट मैन रहे होंगे उन्होंने ना, मतलब पहले देखो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कोई, अभी तो हम मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, है ना. बट तब ऐसा थोड़ी था. तो वो अपना खाली टाइम बिताने के लिए कि इन पे ना गुफाओं में रहते थे ना, केव्स के अंदर स्टोन्स के ऊपर पेंटिंग करते थे, पत्थरों से डिज़ाइन विज़ाइन बनाते थे. तो ये जो केव्स हैं इस चीज़ के लिए बड़ी पॉपुलर है. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कल्चर को दिखाती थी उनके कि कैसे थे.
तो ये जो कौन सी साइट की बात की है, यहाँ पे भीमबेटका केव्स की बात की है। ये कहाँ पर है, वेयर इज़ इट लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन भोपाल, ओके, इन एमपी, मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ दिस फेमस फॉर, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, दिस केव इज़ फेमस फॉर देयर पेंटिंग्स बाय अर्ली मैन। इसमें जो शुरुआत के मानव रहे होंगे उन्होंने जो पेंटिंग वेंटिंग की, उस चीज़ के लिए ये पॉपुलर है। तो अभी इवोल्यूशन ऑफ मैन यानी मानव का जो विकास शुरू हुआ वो कैसे हुआ। अभी देखो जितने भी बेटा आर्ट साइंटिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो ह्यूमन बीइंग और जो उसका वानर रूप से आज के टाइम जैसा रूप बनने में, यानी क्या बोल रहे हैं कि जो बंदरों का और इंसानों का, इंसेंटर का मतलब है पूर्वज, एक जैसे ही दिखते थे। यानी हमारे जो पूर्वज थे और बंदरों के जो पूर्वज हैं वो एक ही जैसे दिखते थे, लेकिन कैसे ह्यूमन मतलब जो इंसेंटर थे वो चेंज हुए, अपनी लाइफ उनकी चेंज हुई, वो आज के मानव जैसे उनका स्ट्रक्चर बना कैसे। तो दोनों के कॉमन एंसेंटर थे, एंसेंटर मतलब पूर्वज। तो अर्ली जो ह्यूमन बीइंग थे, शुरुआती जो मानव माने गए, वो मानते थे, मतलब कहाँ माने गए ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है कि शुरुआती जो मानव हैं उनका विकास कहाँ से शुरू हुआ, तो अफ्रीका में, बेसिकली अफ्रीका है ना कॉन्टिनेंट है, वहाँ माने गए उनका। और वही लोग और जगह भी धीरे धीरे फैले कि सबसे पहले जो अर्ली मैन है वो वहाँ रह, मतलब उसके रहने के प्रूफ मिले हैं, और उसके बाद वो और जगह फैले। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है धीरे धीरे वो कैसे चेंज हुआ समय के साथ साथ, ठीक है। तो पहले जो ह्यूमन था वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता था, जैसे बंदर है आपने देखा है ना कूद कूद के चलते हैं जंप कर करके, तो कैसे वो अपने पैरों पर, उसने फीट पर खड़ा होना सीखा, चलना सीखा, और मतलब अपने हाथों के और पैरों के उस पे चलता था जैसे डॉग कैट और ये सब चलते हैं, तो अपने हैंड्स को भी नीचे झुका के ही चलता था लेग्स की तरह ही। कैसे उसने खड़ा होना सीखा, वॉक करना सीखा धीरे धीरे, ओपोजेबल थम्स को यूज़ करना सीखा। ओपोजेबल थम्स क्या है, जो मतलब अपने दोनों हैंड को इकट्ठा करा और अंगूठों को फिंगर्स को मिलाया तो ग्रिप बनती है, उसमें चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें सीखी। फिर समय के साथ साथ उसका ब्रेन का साइज़, मतलब देखो दिमाग नहीं लगाते थे ना पहले, तो चीज़ें सीखी तो ब्रेन इंक्रीज़ हुआ, मतलब दिमाग का विकास हुआ। जॉज जो हैं वो बिकम स्मॉलर, जानवरों की तरह थे तो बड़े बड़े जबड़े ऐसे हर टाइम अपने फेस को, जो हमारा माउथ है उसका चौड़ा करके रखते थे, तो जॉज जो जबड़े होते थे वो भी चौड़े चौड़े, लेकिन जब सही से खाने लग गए पीने लग गए, मतलब चेंज हो किया खुद को, डेवलपमेंट हुआ, तो जो जॉज क्या होते हैं जबड़े, वो छोटे हुए। तो जो वो फानर रूप से इंसानी रूप में जो कन्वर्ट हुआ जो हमारा ह्यूमन, उसी को हम होमोस्पेंस कहते हैं। होमोस्पेंस का मतलब मानव जाति। आप इस फोटो में देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग दिखाया गया, बिल्कुल शुरू में देखो बिल्कुल बंदर की तरह है, फिर कैसे थोड़ा सा के खड़ा होना सीखा, अपने हाथों को ऊपर किया, फिर धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे चेंज होता होता देखो कैसे बिल्कुल ह्यूमन बदला, और अभी बिल्कुल लास्ट वाला देखो जैसे अब हम हैं वैसा ही है ना। तो इस तरीके से देखो फोटो में दिख रहा है ना कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र, इसी को ही तो हम इवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का विकास। तो बेटा जो इन ये चेंज हुआ कैसे, कैसे चीज़ें हुई, जो मेन सोर्स साइंटिस्ट ने जिनकी हेल्प से पता लगाया वो क्या है, बेसिकली वो चीज़ें फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं, जीवाश्म, जीवाश्म मतलब फॉसिल का मतलब होता है जो पुरानी जली हुई दबी हुई चीज़ें हैं वो। तो जैसे अर्लीस्ट प्लांट मिले एनिमल्स जब खुदाई की गई, तो अर्थ के नीचे जो दबे हुए, ब्यूरिड का मतलब है दबे हुए चीज़ें जो मिली अंडर द ब्रीड ऑफ अर्थ, तो उनको देख के पता लगाए कि अच्छा इस टाइम पे ये एनिमल खाते थे, ऐसे रहते थे, उन बेसिस पे जज किया गया है, ठीक है। तो जो देखो समय के साथ साथ मिट्टी में दब गए, रॉक्स में दब गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो में देखो ये एक तरीके से एक एनसेंटर ऑफ द हॉर्स, अब ये कैसा लग रहा है कि घोड़े का, घोड़े जैसा लग रहा है, तो घोड़े का पूर्वज, और साथ में कुछ फिशीज भी हैं, देख सकते हो आप मछलियाँ भी हैं।
तो अब जहाँ पे पुराने ज़माने के खोदने पे एनिमल्स की बॉडी, ह्यूमन की इस तरीके के इनकी बॉडी, प्लांट्स वगैरह या जो भी सीड्स वगैरह मिले हैं उन, मतलब जिनसे इंफॉर्मेशन निकाली गई कि ये कैसे रहते थे, क्या है, किस तरीके का लाइफ स्टाइल था इनका, उनको बोलते हैं साइट्स। ठीक है, उन जगहों को क्या बोलते हैं? साइट्स बोलते हैं। तो साइट्स आर द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स सच एज टूल्स, जहाँ पे पुराने कैसे वो टूल्स, वेपन्स, औजार, हथियार, किस तरीके के घर, बिल्डिंग वगैरह उनकी रहती थी, मतलब जो भी चीज़ें मिली हैं उनको हम साइट्स कहते हैं। ओके okay? तो जो ब्यूरिड अर्थ के अंदर दबी हुई चीज़ें, अर्थ के सरफेस में, ठीक है, तो कई बार तो धरती के अंदर और पानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पुराने समय की मिली है, जिससे भी लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली, साइंटिस्ट ने, आर्कोलॉजिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने। तो अब देखो, जो साइट्स जो है मेनली वेयर अर्ली मैन लिव, जो वो जगह जहाँ पे शुरुआती मानव रहा होगा, तो ऐसा माना गया कि वो कहाँ रहा होगा, या तो वो वाटर के पास रहा होगा जहाँ पे पानी वानी होता था, क्योंकि पीने के लिए, मतलब वाटर जो है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर वो जैसे तो नदियों के किनारे रहा होगा, लेक्स के किनारे रहा होगा, या फिर जहाँ आसपास स्टोन्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल हो। स्टोन्स, पत्थर से वो अपने टूल्स बनाते थे, अभी उनके पास आयरन वायरन या फिर ऐसी हमारे तरह के पिस्टल बॉम्ब्स थोड़ी थे, तो स्टोन यूज़ करते थे। तो अब देखो, बहुत तरीके के वो स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, स्टोन के टूल्स, पत्थरों के, पत्थर से बने हुए औजार, हथियार। तो जो सही तरीके से प्रॉपर बने होते थे फिनिश, और जो सही तरीके से नहीं बने होते थे अनफिनिश्ड, दोनों ही तरीके के जो स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, हथियार पाए गए हैं जिन जगह पे भी, प्लेसेस वेयर दीज टूल्स हैव बीन फाउंड आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट। उन प्लेसेस को क्या बोला गया है? फैक्ट्री साइट। तो क्या, जहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं फिनिश्ड और अनफिनिश्ड, कैसे भी उनको फैक्ट्री साइट्स बोला गया है। कुछ साइट्स, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे एनिमल्स एंड आर्टिफैक्ट और कलाकृतियाँ और चीज़ें, एनिमल्स की बॉडीज़, डेड बॉडीज़ वगैरह जो हैं, उनके स्केलेटन वगैरह और चीज़ें मिली हैं हंटर गैदर से रिलेटेड, कि कैसे वो रहते थे बेसिकली, उन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। जहाँ पत्थर मिले हैं वो फैक्ट्री साइट, और जहाँ पे और चीज़ें मिली हैं वो हमारी हैबिटेशन। हैबिटेशन कैसे, हैबिटेशन का मतलब होता है बसना, रहना, तो उनको हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम इतना पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।